हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बताएंगे आप लोगों को लिब्रे ऑफिस के प्रैक्टिकल के बारे में। अगली क्लास भी आप लोगों की चली थी प्रैक्टिकल के बारे में, और आज की भी क्लास चलेगी प्रैक्टिकल के ही बारे में। ठीक, अगला क्लास आपका चला था क्या एक्सेल, लेकिन इस बार आज की क्लास जो है क्या चलेगी पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पावर पॉइंट में क्या क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चन आता है, क्या करना होता है, ये भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ओपन करते हैं अपना क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है पावर पॉइंट में करना क्या है, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन 3 स्लाइड। 3 स्लाइड लेना हमको प्रेजेंटेशन में क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, अपने बारे में, इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ। ठीक, क्या करना है अपने बारे में हमको, इंट्रोडक्शन योर सेल्फ मतलब अपने बारे में इसमें क्रिएट करना है। और क्या करना है, 3 स्लाइड में क्रिएट करना है। और तीनों स्लाइड को अच्छे से डिजाइन करिए और अच्छे से क्या करिए, क्रिएट करिए, अच्छे से प्रेजेंटेशन को दीजिए। ठीक, चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं और इसी के बारे में जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये ओपन कैसे होगा इसको देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं ओपन करने का तरीका। ओपन करते हैं क्या, पावर पॉइंट लिखिए, पावर पॉइंट इंटर, ओपन हो जाएगा। देखिए आपका पावर पॉइंट ओपन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, ये इसी पे हमको क्या करना है, क्रिएट करना है, इसी पे पावर पॉइंट हमको बनाना है। ठीक है, देखिए इसके बाद एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है। ठीक, देखिए यही है, इसी प्रकार हमको क्या करना है, बनाना है अपना इंट्रोडक्शन, लिखना है। ठीक, इंट्रोडक्शन के बाद इसके बैकग्राउंड में कलर लगाइए या कुछ अच्छा लगाइए, फिर इसमें कुछ क्या दीजिए, इसमें एनिमेशन लगाइए। ठीक, ये सब करना अभी हम बताते हैं, आगे आगे एक एक पॉइंट बताएंगे कि आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं, चालू किया जाए अपने अपना, चल। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं स्लाइड को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड को, जो स्लाइड हमारी है इसको डिलीट किया जाए, डिलीट। और इस स्लाइड को क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं यहां से हैं और सबसे ऊपर ला के रख देते हैं, रख देंगे। ठीक, अब इसी में हमको लिखना है, क्या लिखना है, देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, अपनी एक जो एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिए हैं, इसी प्रकार से हमको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है, हेलो एवरीवन, क्या लिखा है, हेलो एवरीवन। एकदम इसी के तरह से हमको क्या करना रहेगा, बनाना है। सब लोग बना लेंगे कि नहीं, बोले कमेंट करिए एक बार, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे तो भी, नहीं बना लेंगे तो भी, हम बताते हैं ना मजेदार तरीके से। चलिए यही है, क्या लिखा था वहां पे, हेलो हेलो, और क्या लिखा था, एवरी वन, एवरी वन। ठीक, पॉइंट दे दीजिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या लिखा उसके बाद, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, अपना अपना नाम लिखेगा। ठीक, नीचे आ जाइए, इसके बाद लिखिए आई वाज, अपना अपना इंट्रोडक्शन सब लोग लिखेंगे, जो भी आपका इंट्रोडक्शन अपने बारे में लिखना है यहाँ पे। आई वाज, आई वाज बोर्न, आई वाज बोर्न, बोर्न इन, बोर्न आजमगढ़। ठीक, कामा, बट आई लिव इन प्रयागराज, PRAYAGR। ठीक, इंटर करिए। इंटर करने के बाद अब क्या लिखेंगे, आई कंप्लीटेड, देखिए इसी प्रकार हम लिख रहे हैं कि नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं कि ऐसा ही लिखा रहा ना। ठीक है, ऐसा ही लिखा है, अभी इसमें स्टाइल स्टाइल चेंज किया जाएगा, पहले लिखना चाह रहे हैं, लिखना सीखते हैं। आई वाज, आई हैव, सॉरी, हैव कंप्लीटेड
कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। ठीक, इतना लिख लेंगे सब लोग, हमको पूरा विश्वास और आशा है कि इतना सब लोग लिख लेंगे। ठीक, इतना लिख लेंगे ना। चलिए अब क्या करना हमको बताइए। अब हम सबको सेलेक्ट करते हैं, सबको कंट्रोल ए से करेंगे सेलेक्ट, और क्या कर देंगे इसका कलर कैसा करेंगे, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक कर देते हैं। अब इस सबको हम ले चलते हैं किधर, बोले किधर ले चलेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कर दिए। और सब में क्या अब हमको लगाना है, बुलेट लगा देते हैं। ठीक है, बुलेट भी लगा दिए। देखिए इसी प्रकार हमारा हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए अभी और भी इसमें थोड़ा अच्छा सा कर दें, साइजिंग सबकी क्या कर दें, बड़ी कर देते हैं। साइज बड़ी कर दीजिए, ज्यादा बड़ी हो गई क्या, कुछ इनका छोटा कर दीजिए। हेलो एवरीवन, छोटा हो गया सर, इनको भी बड़ी कर दीजिए थोड़ा। ठीक, बन जाएगा। थोड़ा इनका कलर, हेलो एवरीवन का कलर चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए जो कलर चाहिए उस कलर को क्या करिए, कलर कर दीजिए। ठीक, कलर हो जाएगा सबका। चलिए अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना है। क्या करना है, बैकग्राउंड पे कलर लगाना है। ठीक है, बैकग्राउंड पे कलर करने के लिए राइट को क्लिक करेंगे। ठीक, राइट को इसमें क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करिए और आ जाइए कलर पे। ठीक, कलर पे जो कलर लेना होगा वो कलर क्या करेंगे हम ले लेंगे, या कलर लीजिए या टेक्सटाइल लीजिए, जो भी लेना होगा आप उस पर क्या करिए, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, मान लीजिए हमको यही लेना, क्लिक कर देते हैं, हो जाएगा। ये थोड़ा और साइड कर देते हैं इसको। ठीक, हो जाएगा सबका। चलिए इसके बाद देखिए अब क्या करना, पहला बन गया, इसी तरह से क्या करना हमको दूसरा भी बनाना। देखिए दूसरा में क्या दिया है, अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, क्या दिया, अबाउट माई फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में लिख करना है। क्या करना है, अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड। ठीक, एकदम इसी प्रकार क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम उसमें भी क्रिएट करेंगे। चलिए क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे क्या करना है ये देखते हैं। चालू करते हैं अपनी जो स्लाइड है। ठीक, अब हमको क्या करना, नई स्लाइड लेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नई स्लाइड लेना पड़ेगा। नई स्लाइड कहाँ है, न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए आप, न्यू स्लाइड पे क्लिक करिए। देखिए एक और नई स्लाइड आ गई। ठीक, चल अब नई स्लाइड आ गई, तो इसमें भी वही चीज करना जो अभी हम आप लोगों को बताए हैं पहले इसके, कि सबको क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। ठीक, डिलीट करने के बाद अब एक स्लाइड लीजिए, लेआउट, लेआउट है, लेआउट पे क्लिक करिए। ठीक, क्लिक कर दीजिए। अब हमको करना है अबाउट, इसके बारे में अपने फैमिली के बारे के बैकग्राउंड के बारे में लिखना है, तो लिखिए अबाउट माय फैमिली, फैमिली बैकग्राउंड, बैक लिख देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक, अब दिया है, अब लिखिए इसमें कि हमारे फैमिली के बैकग्राउंड में कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं है, अपने बारे में लिखिएगा सब लोग। ठीक, या दूसरे के बारे में लिखिएगा, देयर आर फाइव
फाइव मेंबर्स इन माई फैमिली ठीक है फैमिली इंक्लूडेड मी इंक्लूडिंग सही है INCU नहीं गलत हो गया इंक्लूडिंग मी ठीक है। उसके बाद माई फादर एंड टू ब्रदर ठीक इतना लिख लेंगे। ठीक है रुक जाइए एक मिनट इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है चल इंटर करते हैं। इसके बाद क्या लिखना है माय फादर इज सर्विसमैन सर्विसमैन माय मदर इज हाउस वाइफ एंड माय ब्रदर्स आर study ठीक है इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है दोबारा वही काम करना है क्या सेलेक्ट करना है। ठीक अभी बताया ना सेलेक्ट करने के लिए तो क्या करिए सबको सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक सबको सेलेक्ट करने के बाद सबको क्या करिए लेफ्ट साइड ले चलिए और इनको क्या करिए बीच में करिए इनको क्या करना है बीच में करना है। ठीक है इनको बीच में कर दीजिए कर देंगे और सबको एक साइड ले चलते हैं। ठीक हो जाएगा। अब सब में क्या लगाइए बुलेट लगा दीजिए सब में बुलेट दो पॉइंट है दो में बुलेट लगाइए। साइज थोड़ा छोटी कर लीजिए इनकी साइज छोटी कर लेते हैं देखिए जैसा चाहेंगे वैसा हम अपनी साइज कर लेते हैं। ठीक इतना कर लेंगे बैकग्राउंड के बारे में। चलिए अब दोबारा क्या अभी हम बताए ना क्या करना है वही चीज करते हैं बैकग्राउंड कुछ अच्छा कलर लगाते हैं। चलिए ठीक कलर इसका चेंज करिए कलर। ठीक है कलर चेंज करते हैं दिखने का। ठीक हो जाएगा। चलिए अब तीसरा वाला क्या है पेज लेआउट तीसरा भी वही उसी प्रकार से क्या करते हैं न्यू स्लाइड लेते हैं पहले देखते हैं कि इसी प्रकार ना बना है देखिए इसी तरीके का है तीसरा वाला है। तीसरा देख लीजिए क्या है व्हाट आई लाइक डू इट। ठीक चलिए इसी प्रकार हमको क्या करना है तीसरा वाला भी जैसे ये बना है
ऐसे ही हमको क्या करना है, तीसरा वाला भी क्रिएट करना है। ठीक, चलिए क्रिएट करते हैं, तीसरा वाला भी चालू करते हैं। ठीक है, चलिए आ गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अभी अगले बताए थे ना कि नई स्लाइड लेंगे, तो नई स्लाइड लेते हैं हम। ठीक, नई स्लाइड लेने के बाद क्या करते हैं हम, चलिए क्लिक करते हैं और लेआउट लेते हैं एक। ठीक, एक लेआउट ले लीजिए, हाँ ये लीजिए, और इनमें से इनको क्या करिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक, और इसको उठा के ऊपर लेके चले आइए, लेफ्ट वाली क्लिक करेंगे और ड्रैग कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अब क्या लिखेंगे, व्हाट व्हाट आई लाइक टू डू, हो जाएगा। चलिए इंटर करिए, नीचे आइए और यहां पे आप लगा दीजिए बुलेट। ठीक, लग जाएगा। चलिए अब लिखना क्या है, बुलेट ब्लैक कलर करते हैं, कलर ब्लैक, इंटर। ठीक, अब लिखिए आई लाइक टू डू आई लाइक टू डू क्रिएटिव क्रिएटिव थिंग्स लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग पेंटिंग हो गया। पेंटिंग, ठीक है, और दूसरा उसके बाद क्या लिखेंगे, आई लाइक टू स्पेंट माई टाइमिंग विथ स्पेंट माई टाइमिंग टाइम विथ विथ माई फैमिली माई फैमिली एंड माई फ्रेंड। माई फ्रेंड्स, ठीक। तीसरा पॉइंट है लिसनिंग, LIS TE लिसनिंग, म्यूजिक वाचिंग टीवी नेट सफरिंग एंड लर्निंग एंड नॉलेजिंग समथिंग समथिंग न्यूज इज आल्सो माई हॉबीज हॉबीज। ठीक है, इतना चीज लिख लेंगे, थोड़ा साइज बड़ी करते हैं, थोड़ा इधर से बड़ा कर देते हैं, इधर भी बड़ा कर देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करने के बाद कलर अभी बताएं, ब्लैक कलर कर देते हैं।
या तो व्हाट डू आई लाइक टू डू को क्या करिए, कलर चेंज कर दीजिए, कोई अच्छा सा कलर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इतना आ गया समझ में, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, इतना आ गया, हमें आशा है कि इतना सबको आ गया होगा। चलिए इसका भी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं इसमें भी। ठीक है, इसमें भी क्या किया जाए, बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। ठीक, इसमें भी हम कुछ बैकग्राउंड अच्छा सा डाल देते हैं, वही हो गया, सेम हो गया, दूसरा डालते हैं। ठीक, हो जाएगा। चलिए, हमें आशा है कि सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा और इतना कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे कि नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करिए, कोई और तरीका अच्छा सा ढूंढ के लाते हैं, उसको बताएंगे। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको आ जाना है एनिमेशन पे और कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन। और क्या करिए, सबसे पहले हम अपने पेज को एनिमेशन कोई लगा देते हैं अच्छा सा, चलिए ये कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आएगा। अब क्या करना हमको, ठीक, अब हमको ये लेना है, इस पे हमको एनिमेशन लगाना है, तो क्या करिए, ऐड इफेक्ट लीजिए। देखिए इस प्रकार हमारा क्या होगा, शो करेगा। ठीक, क्या करेगा, शो करेगा। देखिए, ठीक, एक बार प्ले करके दिखाते हैं, देखिए। ठीक, हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा वाले पे लगाएंगे, क्या दूसरे वाले पे लगाएंगे। देखिए इस पे भी हम एक एनिमेशन लगाते हैं, चलिए। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरे वाले भी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तीसरा वाला भी हम लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, देखते हैं लगा के। सब लोग एक बार प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, तो फिर नहीं आएगा तो फिर देखिएगा। जितनी बार नहीं आएगा उतनी बार क्या करिएगा, देखिएगा जरूर, लेकिन देखना ना भूलिएगा। ठीक, देखिए इसके बाद अब क्या करना है बताया, कोई कमेंट करे, इसके बाद क्या करना है, कमेंट करिए। कुछ तो किए होंगे, कोई ना कोई किया होगा जरूर, कमेंट करे। इसके बाद क्या करना हमको, ठीक, चलिए इसके बाद देखिए, इसमें हो गया, लग गया ना। अब चलिए इसमें लगाते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, लगाते हैं। चलिए लेके सबको सेलेक्ट करिए और लगा दीजिए एनिमेशन, फ्लाई करते हुए आएगा, देखिए। ठीक, हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पे ऐसे ऐसे लगाना है हमको। चलिए सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इस पे भी हम लगा देते हैं। ठीक, लग गया, तीसरा आ जाइए, तीसरा में भी क्या करिए, लगाइए। चलिए, जैसा एनिमेशन लेना चाहेंगे वैसा क्या करेगा, यहाँ दिखाएगा। ठीक है, जैसा भी हम एनिमेशन लेना चाहेंगे वैसा यहाँ शो करेगा। ठीक, चलिए इस पे भी लगाना हमको, तो इसको भी क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट कर दिए और लगा भी दिए, लीजिए। ठीक, चलिए इस पे भी लगा देते हैं, मोर पे जाइए, देखिए नीचे जाएगा, लग जाएगा। चलिए इसके बाद अब इस पे लगाते हैं, ठीक ना। हो जाएगा, इस पे भी एक एनिमेशन लगा दीजिए, एक फोटो पे मान लीजिए इस प्रकार ओपन, देखिए। ठीक, दूसरा वाला भी कैसा ओपन हो, जैसा हो। ठीक है, हो जाएगा सब। चलिए अब ओपन करते हैं कि कैसे कैसे ये चल रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, ये देखना है हमको। चलिए, ठीक, इस पे क्लिक करेंगे और क्या करिए, प्ले करिए, देखिए सब हो रहा, अपने आप चल रहा है कि नहीं, सब बताइए, हो गया। लेकिन बहुत फास्ट चल रहा है, इसको स्लो करते हैं, स्पीड इसकी क्या करते हैं, स्पीड पे जाएंगे और मीडियम कर देते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, प्ले करते हैं, फुल स्क्रीन कर दीजिए। ठीक, फुल स्क्रीन कर दीजिए, देखिए
स्लो चलेगा, बस यही दिक्कत है कि स्लो स्लो आएगा, जैसा स्पीड देंगे उसी स्पीड में हमारा क्या होगा चलेगा। देखिए देखिए दूसरा वाला आ गया, ठीक। देखिए ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। सब में क्या करना है, एनिमेशन सब लोग लगा ही लेंगे, कर लेंगे कि नहीं, एनिमेशन लगा लेंगे सब लोग, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं करके, दोबारा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, मीडियम स्लो, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, जो भी है अपना यहाँ के करके, और क्या करिएगा स्लाइड शो करा दीजिए, या तो प्ले कराएंगे तो प्ले करा दीजिए, ठीक, या तो स्लाइड शो कराएंगे तो फुल पेज पे हमारा क्या होगा आता रहेगा, ठीक है। अगर हम स्लाइड शो कर देंगे तो हमारा क्या करेगा, फुल पेज पे हमारा शो करेगा, ठीक है। देखिए फुल पेज पे कर रहा कि नहीं, देखिए अब दूसरा आ जाएगा, ठीक, ये चला जाएगा तो ये आएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं बताइए। और भी अगर इसमें कुछ लगाना है, और भी क्वेश्चन अगर आता है कि इसमें और भी कुछ लगाइए, तो कुछ नहीं, चले जाइए आप कहाँ पे, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद क्लिप आर्ट ले लीजिए, ठीक, क्लिप आर्ट में फ्लावर ले लीजिए, ठीक फ्लावर देखिए, पूरे हर प्रकार के फ्लावर हमारे आ जाएंगे, ठीक आ गया। अब इसको क्या करिए, छोटा कर दीजिए भैया, बहुत बड़ा है, इसको क्या करिए छोटा कर दीजिए, नीचे करिए और नीचे करिए और नीचे करिए, कितना बड़ा है, इसको ही ऊपर कर लेते हैं, गायब। चलिए नीचे है, थोड़ा नीचे लाते हैं, और इनको क्या करते हैं हम, भाई साहब को छोटा फोन करते हैं, ठीक, और ये छोटा कर देते हैं, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा फोन को कर दीजिए, हो गया इतना छोटा। अब साइज से भी थोड़ा छोटा कर दीजिए, ऊपर से भी छोटा। अब इसको ले चल के रखना कहाँ है, सबसे ऊपर वाले सेल में, इनको सबसे ऊपर वाले में रखना है। चलिए उठाइए और ले चलिए ऊपर, चलो ये चलो चलो, ठीक देखिए आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, इस पे भी अगर एनिमेशन लगाना है तो कुछ नहीं, इस पे भी हम यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हैं, एनिमेशन पे जाइए और कस्टम एनिमेशन, और फुल पे भी लगा सकते हैं एनिमेशन, जैसा भी चाहिए एनिमेशन हम क्या करेंगे लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ठीक, अब सबको प्ले कर दीजिए, और भी अगर इस पे एनिमेशन लगाना है तो और भी क्या करेंगे हम लगा सकते हैं, देखिए ठीक। अब स्लाइड शो करा दीजिए, सबको एक साथ स्लाइड शो करा देते हैं, चलिए देखिए सब चल रहा कि नहीं चल रहा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या होगा स्लाइड्स होगा, इसी प्रकार आपका ये क्लास भी द एंड हो गया, ठीक है। अब अगली क्लास अगला दिन रहेगा, इससे अच्छा कुछ लेके आएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा, एक दो बार पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड से कैसे शो कराया जाता है, आप लोग तो करा ही लेंगे हमें पूरा आशा है, ठीक। अगर नहीं करा पाएंगे तो दोबारा कमेंट करिएगा, दोबारा हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।